पुराने बयान से किया किनारा, टिकट का पैमाना 60 साल नहीं, चुनाव जीतने वाला होगा। कुछ यूं कहा मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी के प्रभारी राष्ट्रीय महासचिव दीपक बावरिया ने। अखिल भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के महासचिव दीपक बावरिया ने अपने उस बयान से किनारा किया जिसमें उन्होंने कहा था 60 साल से उम्र के हो चुके नेता अब चुनावी राजनीति से दूर रहेंगे। दीपक बावरिया के उस बयान से विंध्य की राजनीति में भूचाल आ गया था। दीपक बावरिया के 60 साल के दायरे में नेता प्रतिपक्ष अजय सिंह, विधानसभा उपाध्यक्ष राजेंद्र सिंह, गुड़ विधायक सुंदरलाल जैसे दिग्गज आ रहे थे। आइए सुनाते हैं रीवा में पत्रकारों से बातचीत करते हुए प्रदेश प्रभारी दीपक बावरिया ने क्या कहा। पिछले दिनों आपका एक बयान आया था कि 60 साल से ज़्यादा वालों को टिकट नहीं, इसका मतलब यह कि यहाँ के नेता प्रतिपक्ष अजय सिंह राहुल, विधानसभा उपाध्यक्ष राजेंद्र सिंह जी और आपके ठीक बगल में बैठे हैं गुड़ विधायक नागेंद्र सिंह सुंदरलाल जी, क्या इनका टिकट? आपको किसने कह दिया कि हमने 60 साल से ज़्यादा लोगों को जो है मना किया था? आपको किसने कह दिया? आपसे जानना चाहेंगे आपको किसने कहा? आपका बयान आया था टीवी? नहीं नहीं, मगर टीवी पे तो कोई बयान आया ही नहीं था। कोई आप जैसे कोई साथी मित्र ने जो है कोट कर दिया था। हमने जो कहा था, आपसे जानकारी के लिए दोहरा दें, हमने वो कहा था कि हमारे बीच में जो सीनियर लोग हैं जिन्होंने 60-65 साल की उम्र क्रॉस कर दी है, 4-5 बार चुनाव लड़ चुके हैं, 2-3 बार जो है जीत के आए हैं, मंत्री भी बन गए हैं, जीवन में जो पाना था वो पा चुके हैं, उनसे हमारा निवेदन है, अनुरोध है, हमने मना नहीं किया था, मेरे पास राइट नहीं उनको मना करने का, किसी को मना करने का, उनसे हमारा निवेदन है और अनुरोध है कि यंग जनरेशन के लिए और जैसे मैंने डिफाइन किया नए चेहरों के लिए आप वो जगह छोड़ दें, ऐसा मेरे आपसे नम्र निवेदन है। और उसमें फिर से भी एनर्जी है इलेक्टिव पॉलिटिक्स में कंटिन्यूस उसका कुछ कॉन्ट्रीब्यूशन करने की उनकी कुछ ख्वाहिश है तो जरूर से वो पार्लियामेंट लड़े, वो हमने कहा था। हमने किसी से लड़ने से मना नहीं किया था, उनका अधिकार है, टिकट मांग सकते हैं, उसकी जीतने की संभावना है तो हाई कमांड उसको कंसीडर भी करेगी, कोई मना नहीं करते, मगर एक वॉलेंटरी कॉन्ट्रीब्यूशन आप कहते हैं ना। हम आपको कह दें कि आपके पास 10 एकड़ जमीन है, आप 2 एकड़ जो विनोबा जी ने भूदान यज्ञ शुरू करवाया था कि आप 2 एकड़ जमीन जो है 5 एकड़ दे दो, उसके लिए दान करो, उसका मतलब वो नहीं होता कि आपको कह रहे हैं कि 5 एकड़ आपकी छीन ली जाएगी। यह तो थे कांग्रेस के मध्य प्रदेश के प्रभारी दीपक बावरिया। अब हम आपको लेकर चलते हैं चुनाव प्रचार अभियान समिति के कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष ज्योतिरादित्य सिंधिया के रीवा दौरे पर। पत्रकार वार्ता के दौरान इस सवाल के जवाब में उन्होंने क्या कहा था? और के मैं किसी और के टिप्पणी पर मैं टिप्पणी नहीं देता, जो मेरी भावना है मैंने आपको स्पष्ट कर दिया कि जो जीतेगा उसको टिकट मिलना चाहिए। 60 से ऊपर वालों को नहीं दिया जाएगा, दिया जाएगा। देखिए मेरा मत आपने सुन लिया कि जो जीतेगा उसको टिकट दिया जाना। वहीं इस दायरे में आने वाले नेता प्रतिपक्ष अजय सिंह राहुल ने भी इस सवाल पर क्या जवाब दिया था? बावरिया जी ने अभी एक बयान दिया था कि ये 60 साल से उम्र के ज़्यादा लोगों को टिकट नहीं मिलेगा, इसको लेकर आपकी क्या प्रतिक्रिया? मैं साफ स्पष्ट शब्दों में कहना चाहता हूँ, 15 साल से कांग्रेस विपक्ष में है, जीतने वाला उम्मीदवार होना चाहिए। 60 के ऊपर तो हम भी 64 हो गए, क्या हम भी बाहर हो जाए? क्या आपको लेकर इशारा किया गया था? नहीं, मेरे ऊपर इशारा नहीं किया गया, लेकिन कांग्रेस में आज के समय पर ये देखना चाहिए जीतने वाला है, यदि जीतने वाला है तो उम्र का तकाजा नहीं होना चाहिए।